finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. सात जुलाई को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन। महेंद्र सिंह धोनी 42 साल के हो गए हैं। ये दिन धोनी के फैंस के लिए खास महत्व रखता है। इस खास दिन पर फैंस से लेकर उनके साथी खिलाड़ी जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वे अलग अलग अंदाज में अपने हीरो और विश्व चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि धोनी को क्रिकेट के इतिहास में सफल कप्तान में से एक माना जाता है। धोनी का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। धोनी ने अपने खेल से करोड़ों फैंस के दिल में जगह बना ली है। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3 ICC खिताब जीता है। MS धोनी झारखंड के पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे और उन्हें 23 साल की उम्र में टीम इंडिया में बुलावे की खबर मिली। इस विकेट कीपर ने बल्लेबाज ने मौका नहीं गवाया और मैदान पर धूम मचाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। 5 अप्रैल 2005 को धोनी ने अपने 5वें वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाए थे। बाद में उन्होंने अपने 5वें टेस्ट में भी 148 रनों की शानदार पारी खेली। माई का टेस्ट शतक भी फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ आया था। इन दो शुरुआती धुआंधार शतकों ने इस करामती क्रिकेटर ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि वो आगे चलकर टीम इंडिया का भविष्य बन गए। इसके बाद धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं धोनी से जुड़ी रोचक बातें, कैसे महेंद्र सिंह धोनी बने देश के धोनी और आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें कैप्टन कूल। सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। ज्यादातर भारतीय क्रिकेटरों की तरह महेंद्र सिंह धोनी भी एक सादे बैकग्राउंड से आते हैं। धोनी किसी रईस परिवार में पैदा नहीं हुए। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी पान सिंह धोनी और देवकी धोनी के सबसे छोटे बेटे हैं। धोनी शुरू में फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने क्रिकेट अपना लिया। उसके बाद 1993 के आसपास में वो इस खेल में इस तरह से इन्वॉल्व हुए कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। महेंद्र सिंह धोनी ने 1999 में अपना पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू किया जो कि बिहार के लिए था और 5 साल बाद यानी कि साल 2004 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला खेलकर भारत का प्रतिनिधित्व किया। माही की कप्तानी में भारत ने हासिल किए कई कीर्तिमान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते ही धोनी की तुलना ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट से की जाने लगी। साथ ही अंतिम ओवर तक जीत का पीछा करने में माहिर माही में फिनिशर के तौर पर माइकल बेविन की झलक मिली। 3 साल के अंदर धोनी को वनडे और T20 का कप्तान नियुक्त कर दिया गया। उनकी कप्तानी में 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया और अगले साल ऑस्ट्रेलिया में सीवी सीरीज का फाइनल जीत लिया। इसके बाद धोनी ने 2008 में टेस्ट कप्तानी संभाली और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड पर यादगार सीरीज जीत दर्ज की। दिसंबर 2009 में भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बन गया लेकिन उनकी कप्तानी में 2011 और 2012 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत को लगातार 8 हार मिली और इन शर्मनाक हार से भारत ने शीर्ष रैंकिंग गंवा दी। लेकिन धोनी हार नहीं मानने वाले थे। 2011 में उन्होंने भारत को विश्व कप खिताब दिलाया। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में 4-0 से धोया और फिर उसी साल अजय रहते हुए इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और अगले साल वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। दिसंबर 2014 में धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बीच में ही अचानक टेस्ट कप्तानी छोड़ दी। इतना ही नहीं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल रिटायर होने की भी घोषणा कर दी। 2017 में धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और विराट कोहली को अपना उत्तराधिकारी बनाने का रास्ता बनाया। जब धोनी के लिए टूटा था रोल। महेंद्र सिंह धोनी को 21 साल की उम्र में BCCI के TRDW योजना में शामिल किया गया था जबकि इसके लिए 19 साल की उम्र निर्धारित है। इसके पीछे काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल बंगाल के पूर्व कप्तान प्रकाश पोद्दार के कहने पर धोनी को TRDW में शामिल किया गया था। पोद्दार के आग्रह पर वेंगसर ने फैसला किया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए नियम नहीं आड़े आने चाहिए। पोद्दार जमशेदपुर में एक अंडर-19 मैच देखने गए थे। उसी समय बगल के किनन स्टेडियम में बिहार की टीम एक दिवसीय मैच खेल रही थी और गेंद बार बार स्टेडियम के बाहर आ रही थी। इसके बाद पोद्दार को उत्सुकता हुई कितनी दूर गेंद कौन मार रहा है। जब उन्होंने पता किया तो धोनी के बारे में पता चला। वेंगसकर ने कहा कि पोद्दार के कहने पर 21 साल की उम्र में धोनी को TRDW कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने कहा कि TRDW का वो पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने शुरू किया था। डालमिया के चुनाव हारने के बाद हालांकि इसे बंद कर दिया गया। धोनी का इंटरनेशनल रिकॉर्ड। महेंद्र सिंह धोनी ने 350 वनडे इंटरनेशनल में 50.57 की औसत से
10,773 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 183 रन रहा है। वनडे में उन्होंने विकेट के पीछे 444 शिकार किए हैं। धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट में 6 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं। टेस्ट में एमएस धोनी का उच्चतम स्कोर 224 रहा है। विकेट के पीछे टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने 294 शिकार किए हैं। उन्होंने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल मैचों में 37.70 की औसत से 1,617 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है। T20 इंटरनेशनल में धोनी विकेट के पीछे 91 शिकार किए हैं। एमएस धोनी की आईपीएल करियर की बात की जाए तो उन्होंने कुल 250 मैचों में 5,082 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका एवरेज 39.09 और स्ट्राइक रेट 135.96 का रहा है। आईपीएल में धोनी ने अब तक 24 अर्धशतक लगाए हैं। हाल ही में धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग को 5वीं बार आईपीएल खिताब जिताया है। वही करियर की शुरुआत से लेकर अब तक धोनी जो फॉलो कर रहे हैं वो है उनका शांत स्वभाव। धोनी इतने शांत रहते हैं कि लोगों ने उन्हें कैप्टन कूल की उपाधि दी हुई है, इसलिए तो वो खिलाड़ियों के साथ अपने फैंस के लिए भी स्पेशल हैं। अब धोनी के जन्मदिन पर खिलाड़ियों ने उन्हें बहुत सारी विशेष दी हैं। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह समेत अनेक खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर किए। वही दूसरी ओर धोनी को अपना आइडल मानने वाले ऋषभ पंत ने खुद ही केक काट लिया। इसका फोटो भी उन्होंने जारी किया है। ये कहा जा सकता है कि वाकई कैप्टन कूल बच्चे बच्चे के लिए बहुत स्पेशल है।